हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ICSE मैथ। हमने शुरू कर रखा भाई चैप्टर 23 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, जिसकी डी एक्सरसाइज के अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे भाई। यहाँ पर अ वायर इज इन द, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। एक वायर है जो सेमी सर्कल की शेप में है, तो मैं एक वायर बना लेता हूँ जो सेमी सर्कल की शेप में है। ये हमारे पास कोई सेमी सर्कल है, इसकी शेप में कोई वायर है ऑफ अ रेडियस 28 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है 28 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, इस वायर को आपने स्ट्रेट कर लेना है और उसको बेंट कर देना है स्क्वायर की शेप में। मैंने क्या किया, इस वायर को ओपन किया भाई और स्ट्रेट कर लिया उसको, किसकी शेप में, एक स्क्वायर को स्ट्रेट करके उस वायर को, और उसको एक बेंट करके एक स्क्वायर की शेप में बना दिया। किसकी शेप में बना दिया भाई, स्क्वायर की शेप में बना दिया। अब ध्यान से सुनो, आपके पास वायर थी एक किसकी शेप में, सेमी सर्कल की। आपने उस वायर को मोड़ के सीधा करके जैसे भी किया उसको एक स्क्वायर में बना दिया, तो दोनों के अंदर लेंथ सेम रहेगी, क्या रहेगी, लेंथ सेम रहेगी। जो वायर की लेंथ इस शेप में थी वही वायर की लेंथ इस शेप में, क्योंकि इसी लेंथ की वायर से ही बनाया गया है स्क्वायर। तो लेंथ का मतलब होता है पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर दोनों के पेरीमीटर एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्या होंगे, दोनों के पेरीमीटर एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम पेरीमीटर निकालते हैं इसका। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसका सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहां पर लिखते हैं भाई पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल किसके इक्वल होगा भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख लेना भाई, ठीक है। अब इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला रखिए आप यहां पर, क्या फॉर्मूला होता भाई, फॉर्मूला होता हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल का पाई आर प्लस में 2r इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ सर्कल स्क्वायर का क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है भाई। अब यहां पे पाई आर प्लस 2r वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, यहां पर पाई आर प्लस 2r में पाई की वैल्यू क्या भाई अपने पास 22/7, रेडियस कितनी है भाई, दी हुई उन्होंने रेडियस क्या दी है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 28 प्लस में 2 एज इट इज रेडियस है भाई 28 इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड भाई, ठीक है। वैल्यू आपने सारी पुट कर दी है, बस साइड की वैल्यू नहीं पुट की है क्योंकि आपको साइड यहाँ पे दी नहीं हुई है, निकालनी है आपको, ठीक है। तो अब सोल्व कर लेते हैं भाई, 4×7=28 होता है, ठीक है। तो 7×4=28, 4 को 22 से करते हैं 88 प्लस में 56 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। उसके बाद भाई इनको ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई, ऐड करके 144 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, और 4 डिवाइड में जाएगा भाई साइड, तो 144 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास साइड आ जाएगी भाई कितनी, डिवाइड कर लो 4×3=12, 4×6=24, तो साइड आई है जो स्क्वायर की वो कितनी आई है भाई, 36 आई है। तो ये भी 36 हो गया, ये भी 36, ये भी 36 और ये भी 36, क्यों हुआ, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है भाई, हमें पता ही है। अब हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता भाई। अब इसके अंदर हमने किया क्या है, सिर्फ ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर निकाला है स्क्वायर की साइड, और स्क्वायर की साइड कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, दैट्स वाई हम इनको इक्वल रख देंगे इनके पेरीमीटर को, जिससे हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है भाई। अब सेवेंथ में देख लीजिए आपको क्या बोला हुआ है, द वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, एक वायर है, वापस वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, और वो स्क्वायर की फॉर्म में है, स्क्वायर की साइड दी आपको 49.5 सेंटीमीटर, इट इज स्ट्रेटेड एंड बेंट इन टू द सेमी सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल सो फॉर्म्ड। क्या किया आपको, दिमाग लगाओ थोड़ा, यहां पर इसी क्वेश्चन का अपोजिट कर दिया, यहां पर इसकी साइड दी है और इसकी साइड, इसकी रेडियस निकालनी है, पहले क्या था, इसकी रेडियस दी थी, इसकी साइड निकालनी थी, यानी कि इसका अपोजिट क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या दिया आपको, एक स्क्वायर दिया भाई, ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी दी है 49.5, बोला स्क्वायर को बेंट करो, मोड़ तोड़ो, कुछ भी करो, इसको घुमा दो, किसमें बना दो भाई, एक सेमी सर्कल के अंदर बना दो, ऐसे हमने बना दिया ये सेमी सर्कल। अब इस सेमी सर्कल की रेडियस यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस है वो फाइंड आउट करके दिखानी हमने यहाँ पर, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, पहली बात तो वही रहेगी क्योंकि वायर सेम ही है, इसी वायर से वही चीज बनाई गई है, जैसे यहां पर सेम वायर से हमने दूसरी शेप बनाई थी, तो इस वायर से हमने दूसरी शेप वो वाली बनाई है, दोनों की यहां पर लेंथ है जो सेम है, दैट्स वाई हम यहां पर क्या करेंगे भाई, पेरीमीटर निकालेंगे दोनों का। तो क्या लिखूंगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होगा किसके, पेरीमीटर ऑफ
किसका भाई, ये तो स्क्वायर का था, और ये पेरीमीटर हो जाएगा किसका, सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल। तो करते हैं भाई, चलो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या था भाई, आपको पता ही है, 4 इंटू साइड फॉर्मूला लगा देना है, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है भाई, पाई आर प्लस में 2r। तो वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, चलो यहाँ पे 4 इंटू में साइड कितनी दी है भाई आपको, 49.5, पॉइंट हटा दो तो कितना लग जाएगा नीचे, 10 लग जाएगा, तो नीचे 10 लग गया भाई ये। उसके बाद दोनों से रेडियस कॉमन ले लो भाई बाहर, तो अंदर बचेगा पाई प्लस 2, क्या बचेगा भाई, पाई प्लस 2। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं भाई, 2 2 जो 4, 2 5 जो 10, 5 से काट दो, 5 9 जो 45, बच गए 4, 5 9 जो 45, तो कितना है भाई यहाँ पे, ऊपर आया है 2 इंटू में 99 इज इक्वल टू रेडियस, पाई की वैल्यू वही पुट करनी है 22/7 प्लस में 2, नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम मान ले लो। अब 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 9 जो 18, 1 कैरी, 2 9 जो 18 और 1 9 198। अब रेडियस एज इट इज, अंदर एलसीएम ले लो भाई, 7 और 1 का एलसीएम 7, 22 को 1 से करते हैं 22, 7 को 2 से करते हैं 14। अब 198 आपका किसके इक्वल हो जाएगा भाई, रेडियस एज इट इज, 22 और 14 कितना होगा भाई, 36/7। अब देखो भाई 36/7 है, इसको घुमा देता हूं मैं, इस साइड ले आऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी किसका अपोजिट आ जाएगा इस साइड, तो इस साइड उल्टा लिख देते हैं इसे, चलो भाई यहां कर देता हूं बाकी में यहां पे, तो कितना भाई अपने पास, रेडियस 36/7 इज इक्वल टू 198। तो रेडियस निकालने के लिए क्या किया भाई हमने, 198 उस साइड एज इट इज, और उल्टा कर देंगे 7/36। अब इसको काट देते हैं भाई 18 के टेबल पे, अगर आपको आता है तो यूज कर सकते हो, वरना 2 2 के टेबल भी काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। 18 2 जो 36, 18 1 जो 18, बच गया 1, 18 1 जो 18, तो ऊपर आया भाई कितना अपने पास, 11 7, और नीचे 2, तो लिख देते हैं भाई अपने पास क्या, ये रेडियस 11 7 जो 77 बाय में 2। तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई, इसको काट लो 2 से भी, 2 3 जो 6, बच गया 1, 2 8 जो 16, बच गया 1, 2 5 जो 10, तो आंसर आया भाई अपना कितना, 38.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई, 38.5 सेंटीमीटर आ चुका है इसका रेडियस। और यहां पर हमने पूछा क्या था हमसे, कि रेडियस ही निकालनी है, तो यहां पर हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता भाई, हमने इसकी रेडियस निकाल दी है जो कि आई है 38.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपको क्या दिया भाई यहां पर, अ वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, एक वायर जिसको हमने बेंट कर दिया स्क्वायर की फॉर्म में, एंड क्लोज कर देंगे उसका एरिया, हम यहां पर कितना दिया भाई, 992.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट इन टू फॉर्म अ सेमी सर्कल, वट विल बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल सो फॉर्म्ड। तो रेडियस निकालनी है और एरिया में दिया हुआ है स्क्वायर का, तो पहले बात कर लेते भाई, यहां पर हमारे पास दिया हुआ है एक स्क्वायर शेप में, क्या दिया स्क्वायर शेप में आपको, एक वायर को बेंट करके दिया स्क्वायर शेप में, जिसका आपको टोटल एरिया दिया है 992.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी स्क्वायर की वायर को ओपन करना है और बनाना है हमने क्या भाई, यहां पर एक सेमी सर्कल बनाना है, सॉरी सेमी सर्कल के अंदर इसको ड्रॉ करना है भाई। तो सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए अब एक बार, ये हमने इसको सेमी सर्कल बना लेना भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब हमें गिवन है यहां पर क्या, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया गिवन है, तो पहले लिख लेते हैं जो गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है भाई कितना, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है भाई, 992.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया गिवन है भाई। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे, साइड इनटू साइड होता है भाई, इज इक्वल टू 992.25, पॉइंट हटा के नीचे भाई कितना कर देंगे, 100। उसके बाद यहां पर ये साइड का स्क्वायर हो गया भाई, क्या हो गया, साइड का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा, ये साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर क्या भाई, 99225 बाय में 100, और ये स्क्वायर उस साइड जाके हो जाएगा भाई, रूट हो जाएगा, तो साइड का रूट कर देंगे यहां पर हम, इस साइड जाके रूट हो जाएगा 99225 का रूट बाय में 100। अब देख लीजिए 100 का रूट नीचे कितना निकल गया भाई, 10 निकल गया। अब निकालना हमने 9925 का रूट, 9925 का रूट कैसे निकालेंगे देख लीजिए भाई, मैं साइड में कर देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पे कर लेते हैं 99225 का रूट,
पीछे से पेयर बनाते हैं भाई, ये पेयर बन गया, ये पेयर और ये सिंगल। तो सबसे पहले क्या चेक, सबसे पहले आपने क्या करना भाई, नाइन का चेक करना कि नाइन किसी का स्क्वेयर है या उससे कोई कम लेना आपने। तो थ्री का स्क्वेयर होता भाई, तो मैं यहाँ पे थ्री ले लूंगा, तो आ गया थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस कर देंगे तो जीरो बच्चे ऊपर से उतार लिया 92 वाला पेयर। फिर थ्री और थ्री को सिक्स को ऐड कर दो भाई, यहाँ पे वन वन लेना पड़ेगा क्योंकि टू लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो वन लेंगे तो कितना हो गया भाई 61, माइनस कर दो भाई कितना बचेगा, टू में से वन गया वन, नाइन में सिक्स गया तीन, ठीक है भाई थ्री बच गए अपने पास। ऊपर से नेक्स्ट उतार लो भाई 25, कितनी 25। अब आपने क्या करना है, वन और वन कितना हो जाएगा टू हो जाएगा भाई, सिक्स टू हो गया। अब आपने क्या कर लेना, फाइव से मल्टीप्लाई कर लो भाई इसको, 625 को 5 से करते तो यही आएगा भाई आपका 3215, और ये पूरे का पूरा कट जाएगा भाई, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा ऊपर क्या भाई, हमारे पास बच जाएगा 315, कितना बचेगा 315 इज इक्वल टू, तो आपका क्या हुआ यहाँ पर 315 को डेसिमल से यहाँ पे लगा देंगे 1. डेसिमल्स 31.5 सेंटीमीटर। तो आपकी साइड आ चुकी है भाई यहाँ पर कितनी 31.5 सेंटीमीटर आ चुकी है यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी साइड तो आ गई एरिया की, बट हमने निकालना है इसकी रेडियस। तो क्या होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेवन्थ और एट्थ में समझा था कि इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पर वही करेंगे, हम लिख देता हूं मैं यहां पे, लिखेंगे क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होगा किसके भाई, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर का पेरीमीटर देखिए क्या होता है भाई, 4 इंटू साइड होता है, क्या होता है 4 इंटू साइड, और इसको होता है भाई पाई आर प्लस 2r, ठीक है भाई। अब वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, देखिए 4 तो एज इट इज, साइड की वैल्यू क्या भाई 31.5, और यहां पे दोनों से रेडियस कॉमन ले लो भाई, अंदर क्या बच जाएगा पाई प्लस में 2 बच जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद थोड़ा यहां कर लेते हैं, 4 इंटू में 315 पॉइंट हटा लो भाई नीचे 10, और इस साइड क्या बच जाएगा पाई की वैल्यू पुट कर दो भाई, ठीक है, रेडियस तो बाहर निकालना ही हमने, पाई की वैल्यू 22/7/2। उसके बाद इसको काट देते हैं भाई, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 6 जा 30 बच गया 1, 5 3 जा 15, 63 को 2 से कर दो भाई मल्टीप्लाई, अब तो कितना हो जाएगा 2 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 126 इज इक्वल टू, यहाँ पर रेडियस और दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 7, और 22 प्लस में 7 2 जा 14, अब कितना हो गया भाई इक्वल 126 इज इक्वल टू रेडियस, जोड़ेंगे तो 36/7 हो गया, ये अब 36/7 है, इस साइड आएगा तो घूम जाएगा भाई, और घूम के क्या हो जाएगा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इसका, 36/7 का 7/36 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी अपनी भाई 126 इंटू में 7/36, ठीक है भाई। अब इसको कर लेते हैं भाई 2 के टेबल पे डिवाइड, ठीक है, यहाँ काटेंगे तो 8 आ जाएगा भाई, यहाँ पे काटेंगे तो आ जाएगा 2 6 जा 12, और ये आ गया, इसको काट देते हैं हम फिर 9 के टेबल पे, 9 2 जा 18, और 9 7 जा कितना हो जाएगा भाई, 9 7 जा 63 हो जाएगा ना। उसके बाद 7 7 जा 49/2, तो रेडियस कितनी आ गई भाई यहाँ पर अपने पास आ गई 49/2, और इसको डिवाइड कर दोगे तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर काट दोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4 बच गया भाई 2 4 2 2 जा 4, फिर वहाँ 2 4 जा 8 हो जाएगा, बचे कितना भाई 1 2 5 जा 10, तो रेडियस कितनी आई भाई आपकी यहाँ पर, रेडियस आई है 24.5 सेंटीमीटर, तो कितनी आगे भी रेडियस लिख दो यहाँ पे 24.5 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये रेडियस आ जाएगी, और आपका यह क्वेश्चन यहाँ पर 8 था जो कंप्लीट हो जाएगा भाई, क्योंकि हमने इसमें क्या निकालना था बस, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, तो रेडियस निकालनी थी जो हमने निकाल दी है 24.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई आपको यहाँ पर क्या दिया, द शेप ऑफ अ पार्क इज अ रेक्टेंगुलर बाउंडेड बाय सेमी सर्कल, पहले बात कर लेते हैं शेप की भाई, बीच में जो शेप है वो दे रखी है हमें रेक्टेंगुलर शेप की, ये 35 इसकी ब्रेथ है और 40 इसकी लेंथ है, तो लेंथ ब्रेथ दी है तो रेक्टेंगल हो गया भाई। उसके बाद फिर बोला है कि इसके साइडों में लगे हुए हैं 2 सेमी सर्कल, हाफ इस साइड है हाफ इस साइड है, दोनों को जोड़ दे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद शोन इन दैट जॉइनिंग फिगर्स, जो फिगर में दिखाया गया आपको, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द पार्क,
तो इस एरिया इस पेरी इसका जो पार्क है इसका पेरीमीटर और एरिया दोनों के दोनों आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो सबसे पहले निकाल लेंगे भाई इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, मैं ध्यान से देखिए। एरिया निकालने के लिए आपको पहले इस सेमी सर्कल का एरिया, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया और फिर इस सेमी सर्कल का, तो तीनों के एरिया निकाल के आपस को जोड़ना होगा उनको, जिससे आपका क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर, ये पूरे का पूरा एरिया ऑफ पार्क आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे एरिया ऑफ पार्क किसके कुल होगा भाई, किसके कुल होगा, 2 इंटू में एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और प्लस में क्या करना पड़ेगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है भाई, ध्यान से देख लिए भाई मैंने क्या लिखा है यहां पर। ये आपको अगर एरिया ऑफ पार्क निकालना है तो आपको एक तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना होगा, और दो मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक एरा और एक एरा दो सेमी सर्कल है ना, तो इसलिए दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा भाई आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी। उससे पहले मैं रेडियस निकाल देता हूँ सेमी सर्कल की। डायमीटर हमें दिया भाई सेमी सर्कल का, ये लाइन है इसका मतलब डायमीटर है 35 मीटर। तो रेडियस क्या होती है अभी, 35/2 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। सेंटीमीटर नहीं है सॉरी, मीटर आएगा, तो मीटर आ जाएगा अभी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब नेक्स्ट एरिया की। तो एरिया ऑफ पार्क निकालने के लिए अपने क्या करना है, 2 इंटू में फॉर्मूला क्या भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का हाफ ऑफ पाई आर स्क्वेयर, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। 2 से 2 कट गया भाई, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो देखिए अभी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू में रेडियस कितनी हुई इसकी, 35/2 कितनी है, 35/2, दो बार लिखना पड़ेगा अभी आपको ये 35/2, प्लस में लेंथ ब्रेथ कितनी है, लेंथ आपकी 35 और ब्रेथ आपकी कितनी 40, या 35 लेंथ और ये 40, 35 ब्रेथ होगी और 40 लेंथ हो जाएगा आपका भाई। अब काट लेते हैं जो भी कट रहे हैं यहाँ पे, 7/5 = 35, 2 से काटते हैं 11। ठीक है भाई, और 35 को करते हैं किससे, 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा भाई, 11 यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 11 इंटू में क्या क्या बचा ऊपर, 5 इंटू 35, 5 इंटू में 35, प्लस में इसको भी करना भाई, इसको तो मल्टीप्लाई कर देते हैं चलो, या पहले लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे करेंगे 35 इंटू में, ये प्लस नहीं है भाई, इंटू है यहाँ पर, क्या ये इंटू आएगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई है, तो 35 इंटू 40 है, कितना है 40, और साथ में भाई हमारे पास यहाँ पर कितना बचा था डिवाइड में, 2 बचा था डिवाइड में, तो डिवाइड में 2 भी लिख लेंगे। ठीक है भाई, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। चलो यहाँ पर 11 को 5 से और 5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 1925 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1925/2, प्लस में इन दोनों करोगे तो आ जाएगा भाई आपका 1400। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने रफली कर लिया ये। उसके बाद अब 2 को काट देते हैं भाई यहाँ से, 2 9 18 होता भी अपना बच गया 1, 2 6 12, 2 2 4 बच गया कितना, 1 2 5 10, प्लस में 1400 ऊपर साथ में आ जाएगा भाई, इसको अब जोड़ लेना बस आपने, क्या कर लेना है, जोड़ लेते हैं से, यहाँ पे रफ में जोड़ लेता हूँ मैं 1400.0, और किसको जोड़ना है इसके, 962 को जोड़ लेना भाई हमने किसके साथ, 1400 के, तो 0 + 5 0 5 ही रहेगा भाई, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 और 4 13 1 = 2, तो कितना है अभी आपका यहाँ पर आया है, 2362.5, कितना आ गया भाई एरिया आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2362.5 m². ये आपका यहाँ पर फाइनल एरिया आ जाता है भाई इसका, जो इसका हमने निकालना था। तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने निकालना क्या है, पेरीमीटर भी निकालना है इसका, जो कि हमें दिया हुआ है पार्क का। अब देखिए पेरीमीटर के लिए क्या करना होगा आपको, पेरीमीटर में हमें क्या करना है, ये लेंथ 40 दी है, ये लेंथ 40 दी है, ये तो जोड़नी है बस, हमने इसका पेरीमीटर निकालना है, इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन का। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, और वो गलती क्या होती है बता देता हूँ अब आपको। आप यहाँ पर सेमी सर्कल का एरिया लगाओ, पेरीमीटर लगाओगे, सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है आपका 2π, सेमी सर्कल का होता है πr + 2r। 2r क्यों लगाते हैं पता, वो क्योंकि तब हमें ये भी लाइन लेनी होती है, ये वाली जैसे सेमी सर्कल बना रहे हो ना आप ऐसे, तो आपको ये लाइन भी लेनी होती है, बट अब इस फिगर में ये लाइन नहीं लेनी है आपने, आपने बस इतना यहाँ से लेकर वो यहाँ तक लेना है बस। ठीक है, तो दैट्स वाई हम ये लाइन यूज़ नहीं करेंगे, तो कुछ बच्चे गलती से कर देते हैं इसका यूज़, तो वो नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या भाई, मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे क्या करना होगा आपको, पेरीमीटर लिखेंगे पहले, पेरीमीटर ऑफ पार्क,
पाक का पेरीमीटर क्या होगा भाई यहाँ पर, सबसे पहले 40 40, ये दो साइड से जुड़ जाएंगी, 40 प्लस में 40 प्लस में, ध्यान से देखिए यहां से लेकर यहां तक 40 और यहां से लेकर यहां तक 40, ये तो दोनों जुड़ चुकी हैं अभी अपनी। अब सिर्फ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये और लेनी हमने, और ये क्या है, सेमी सर्कल है दोनों, दोनों सेमी सर्कल को अगर जोड़ दें तो एक सर्कल बन जाता है, क्या बन जाता है, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, और उस कंप्लीट सर्कल की सर्कमफेरेंस होता है 2πr, क्या होता है भाई 2πr फॉर्मूला होता है, बस आपने वही लिखना है। तो सोल्व करते हैं वैसे, यहाँ पे 40 प्लस 40 कितना हो गया भाई, ये 80 हो गया आपका, कितना हो गया 80 प्लस में, ठीक है 40 प्लस 40 80 और प्लस में 2 एज इट इज भाई, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है भाई 35/2, 2 से 2 कट गया भाई, 7 से 7 5 35, तो आया क्या अपने पास भाई यहाँ पे 80 प्लस में, मल्टीप्लाई करके देखो क्या बचा भाई, ये तो कट गया, ये से कट गया, 22 और 5 बचे हैं, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 110 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 22 5 110, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 190, कितना हो जाएगा भाई ये 190 आ जाएगा, 190 मीटर ओनली, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये पैरामीटर भी इसका निकल चुका भाई, जो हमने नाइन्थ क्वेश्चन करना था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था भाई क्वेश्चन नंबर 9 भी, इसी जैसे क्वेश्चन जो आगे नेक्स्ट आएंगे ना 10th 11th 12th जो भी हैं 13 14 सभी में इस टाइप्स की शेप ही मिलेगी आपको। और मैं बता देता हूं आपको, जब भी आपको शेप वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन शेप वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बस एक ही चीज करनी होती है, फिगर को ध्यान से समझना होता है कि कौन सी फिगर लगी है, किसका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। जैसे फिगर में ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल रहा है डायरेक्टली कि बीच में हमारा रेक्टेंगल है, साइडों में दो सेमी सर्कल लगे हुए हैं, ठीक है। तो सेमी सर्कल का आपने क्या करना है, यहाँ पर एरिया लगा देना है, एरिया में तो लगेगा बट पेरीमीटर में बच्चे गलती कर देते हैं, वो गलती मैंने आपको बता दी है, क्या होती है, ये वाले लाइन, इस लाइन को भी जोड़ लेते हैं बट हमें तो बाहर की लाइन निकालनी होती है ना, तो इसको नहीं निकालना। जब सेपरेटली आप क्या करोगे, अगर सेमी सर्कल निकाल रहे हो सेपरेटली, सेपरेटली निकाल रहे हो तो यूज करना आपने पाई आर प्लस 2r वाला फॉर्मूला, अदरवाइज आपने क्या करना है, इसके अंदर ओनली पाई आर यूज करोगे आप, 2r यूज नहीं करोगे। तो पाई आर इसका और पाई आर इसका दोनों को अगर जोड़ देते हो आप, क्या बोला मैंने, पाई आर इसका और पाई आर दूसरे वाले का, इसका भी और इसका भी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2πr बनेगा भाई, जो मैंने यूज किया फॉर्मूले के अंदर 2πr, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है जहां पे ज्यादातर गलतियां हो जाती हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इन द एडजॉइनिंग फिगर, इट्स गिवन दैट दैट OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो वहां पर OAB हमें दिया ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ भाई, जिसकी साइड 28 सेंटीमीटर है, क्या है, जिसकी साइड 28 सेंटीमीटर है, यानी इक्विलेटरल है तो सारी साइड इक्वल, यानी ये भी 28, ये भी 28 और ये भी 28 भाई, ठीक है। बट ये सेमी सर्कल का पूरा डायामीटर है, अगर इसको मैं हाफ कर दूं यहां से यहां तक तो ये क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस, यानी कि 28 का हाफ कितना होता है 14, तो 14 सेंटीमीटर इस साइड और 14 सेंटीमीटर इस साइड, और पूरी कितनी है भाई, ये 28 है, ठीक है। तो 14 14 इसकी रेडियस हो जाएगी, वैसे ही सारे के सारा इक्विलेटरल है तो इसकी सारी साइड 28 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है। आगे देखिए आपको क्या बोला है, ये आपको 28 है, वन एंड इज अ सेमी सर्कल एंड ए बी इज अ डायमीटर, ए बी आपको डायमीटर दिया हुआ है, देख लो भाई ये डायमीटर, तो रेडियस 14 आ गई, तो निकालना क्या क्या है इसके अंदर, पेरीमीटर निकालना है शेडेड रीजन का, ठीक है, और एरिया भी निकालना हमने इसके अंदर। तो सबसे पहले फिगर देख लेते हैं भी कौन कौन सी आएंगी अपने पास यहाँ पर, फिगर एक तो हमें दी है इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरी कौन सी दी अभी सेमी सर्कल, तो दोनों फिगर का क्या करना हमने निकालना है यहाँ पर, एरिया भी और पेरीमीटर भी। तो सबसे पहले यहाँ पे पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर बोले इन्होंने, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना भी, किसका निकालना है सेमी सर्कल का, तो पेरीमीटर ऑफ अ फिगर बोलेंगे यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना हमने यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा किसके भी पेरीमीटर, ये हमारा है सेमी सर्कल, पाई आर लगेगा फॉर्मूला, क्या लगेगा पाई आर, कल भी मैंने बताया था कि हमने पाई जो पेरीमीटर है भाई निकालते समय में क्या ध्यान रखना होता है कि कभी भी अगर गिवन फिगर है जैसे रेक्टेंगुलर पार्क हो या कुछ भी हो अंदर वाली ये लाइन नहीं लेते हैं तो आपको गिवन फिगर के हिसाब से ये फॉर्मूला यूज करना भाई। आप सोचोगे कि हमने पहले कुछ फॉर्मूला लगाया अब कुछ और लगा रहे हैं तो उसके कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं भी पैरामीटर के, मैं वापस एक बार आपको बता देता हूँ यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले, पाई आर प्लस 2r, हम कई जगह ये फॉर्मूला भी लगाते हैं और अब इस वाले में सेमी सर्कल के पैरामीटर के लिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या भाई,
ये वाला फॉर्मूला तब लगाना आपको जब ये लाइन भी आप साथ में लो, क्या लो, अगर आपको एक सिर्फ सेमी सर्कल का पैरामीटर निकालना है ऐसे कुछ, तो आपको ये लाइन भी लेनी पड़ेगी, बट अब आपको ये लाइन नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या करना है, बाहर की लेंथ निकाल रहे हैं ना, बस ये वाली अंदर वाली नहीं निकाल रहे अंदर वाली, तो ध्यान रखना है, दैट्स वाई मैंने ये फॉर्मूला लिया ना कि वो लिया। उसके बाद अब इसके साइड में जो लेंथ है ये तो निकल गया भाई, पैरामीटर का ये लाइन तो आ जाएगी इस फॉर्मूले से, प्लस में ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ऐसे ही ऐड कर देंगे इसमें, 28 प्लस में 28। अब सोल्व कर लेते हैं भाई, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है भाई 14 है, यहाँ निकाल देता हूँ मैं एक बार फिर भी, डायमीटर हमें जो ए बी था वो कितना दिया भाई 28 दिया सेंटीमीटर, रेडियस कैसे निकालते हैं भाई, 28 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपका 14 सेंटीमीटर यहाँ पे रेडियस आ जाएगा, तो 27/2 × 14 प्लस में 28 और 28 कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पर 56 हो जाएंगे आपके, 7 का टेबल आता ही आपको काट दो इसे, 7 × 2 = 14, 22 × 2 = 44 हो जाएगा अपने पास भाई यहाँ पर, और प्लस में 56, दोनों को जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा आपका, पीछे लग जाएगा सेंटीमीटर भाई, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने पैरामीटर निकाल लिया इस फिगर का, कैसे निकला है मैंने बता दिया आपको, ये लाइन और ये लाइन इसको जोड़ा, फिर ये इतना पार्ट है जो इसको जोड़ा, ठीक है, और इस पार्ट को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है पाई आर, ना कि वो यूज करना है पाई आर प्लस 2 आर, वो तब यूज करना आपने जब आप ये लाइन भी साथ में लोगे, ठीक है। अब चलते हैं भाई इसके एरिया के ऊपर, ठीक है, एरिया में देखते हैं कैसे करेंगे इसके, एरिया के लिए आपको फिगर की जरूरत पड़ेगी भी, दोनों फिगर का एरिया आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास है ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल है, और ये नीचे दिया हमें कितना भाई सेमी सर्कल, अब देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखना पड़ेगा आपको यहां पे, एरिया ऑफ यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया लगेगा यहां पे भाई, ठीक है, और प्लस में यहां पे लगेगा सेमी सर्कल एरिया, दोनों के फॉर्मूले आपको आने चाहिए भी यहां पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया और सेमी सर्कल एरिया। पहले इक्विलेटरल का देखो फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है इसका, प्लस में सेमी सर्कल का तो आपको पता ही है भाई क्या होता है, हाफ ऑफ पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। इसमें वैल्यू डाल देते हैं भाई हम, √3/4 तो एज इट इज रखो पहले, इंटू में 28 जो साइड है हमारी वो कितनी दी है 28 दी है अभी, तो 28 इंटू में 28 प्लस में, और हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर लगा दो अभी, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है अभी आपकी 14 निकाली थी तो 14 पुट कर दो, 7 से काट दो भाई, 7 × 2 = 14, 2 से ये 2 कट गया, 4 × 7 = 28, ठीक है भाई, कट के चीजें बच जाएंगी। अब इसको हाँ कर लेते हैं 16 के, क्या क्या बचा भाई यहाँ पे बचा है √3 × 7 × 28 प्लस में 22 और 14 बचा है यहाँ पर भाई, 22 और 14। उसके बाद अब देखिए इसको हम 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, इसको 7 × 28 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 7 × 8 = 56, 5 कह रही है भाई, 7 × 2 = 14 और 5 = 19 आ गया 196 √3 प्लस में, इसको भी कर दो भाई, 14 × 2 = 28, 2 कह रही गया भाई, 14 × 2 = 28 और 2 = 30, क्या आ गया भाई आपके पास यहाँ पे 196 √3 प्लस में 308। अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, √3 की वैल्यू पुट करनी होगी भाई, √3 की वैल्यू आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर आपको याद रख लेनी है, क्योंकि √3 आपका बहुत सारे चैप्टरों में कहीं कहीं पे यूज होता है इसका, ठीक है, तो √3 की वैल्यू एक हमारे पास क्या होती है भाई यहाँ पर 1.73 होती है, कितनी होती है √3 की वैल्यू 1.73, तो √3 की इस वैल्यू को आपने पुट कर देना यहां पर 196 इंटू में 1.73 प्लस में 308, आपने क्या करना है आप इस पॉइंट को हटा लेना है, इसके नीचे 100 लगा दो भाई, और इसको मल्टीप्लाई कर लेना किसके साथ 196 के साथ, तो 196 को 173 से मल्टीप्लाई करना बस आपने भाई, अभी यहां पे कर लेते हैं 196 को 173 से मल्टीप्लाई, 3 6 = 18, 1 कैरी 3 9 = 27 और 128, 2 कैरी 3 1 = 3 और 2 = 5, फिर 7 6 = 42, 4 कैरी 7 9 = 63 और 4 67, 6 कैरी 7 1 = 7 और 6 13, फिर 1 से करते हैं तो सेम ही आ जाएगा भाई 196, देख लीजिए क्या बचेगा 8 8 2 10, 1 कैरी गया भाई ऊपर जाके हो जाएगा 5 और 1 6 6 6 12 और 7 19, 1 कैरी गया भाई 13, 1 कैरी गया 3, तो कितना है 33908, कितना है इसको सोल्व करके 33908, 33 भी लिख देते हैं भाई, डिवाइड में 100 है प्लस में 308 है भाई, ठीक है। अब इसके डेसिमल्स प्लेसेस लगा दो यहाँ पर भाई,
डेसिमल प्लेसेस लग के क्या हो जाएगा यहाँ पे 339.08 और प्लस में 308, ये आ गया। अब इनको ऐड कर लेना भाई आपने, क्या कर लेना, ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मैं साइड में 339.08 को ऐड करना भाई आपने 308 के साथ, 308 के साथ 80987 वन करी गया भाई 46, तो कितना है आपका ये 647.08, कितना आ गया इसको ऐड करके 647.08 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये इसका आपका एरिया आ जाएगा भाई। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने फिगर पे ध्यान देना है, ठीक है। इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था वो भी फिगर वाला ही था, सेम टू सेम। आगे आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन भी आपके फिगर वाले ही होंगे, ठीक है। फिगर दी होगी आपको, उसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सी फिगर का आपको वहां पे फॉर्मूला लगाना है या पैरामीटर लगाना है, ठीक है, फॉर्मूला उसका। तो ऐसे निकालने क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज क्वेश्चन नंबर 10 तक करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। बाकी जितना उसके इस वीडियो को भी अपनी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।